अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ऑल सॉल्यूशंस वन चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल नंबर 1A, और 1A में हम सिंपल अपना नेम प्रिंट करेंगे। हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 1A है। क्या प्रैक्टिकल नंबर 1A है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स यूजिंग फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। इट्स मीन कि आप अपना एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें अपना नेम 10 टाइम प्रिंट करें और फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज़ करें। फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको यूज़ करते हुए आपको एक प्रोग्राम बनाना है और उसमें अपना नेम 10 टाइम प्रिंट करना है। जी डब्ल्यू बेसिक मैंने आपको बताया था, पी सी बेसिक का ही बता दिया। मैं पी सी बेसिक पर काम कर रहा हूँ और पी सी बेसिक पर काम करने की वजह यह है कि हमारे पास जो स्क्रीन जो है वो काफ़ी स्क्रीन का साइज़ जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे हम इजीली जो है अपना कोई भी कोड अगर लिख रहे हैं और कोडिंग में प्रॉब्लम आती है तो हम इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जी डब्ल्यू बेसिक में, पी सी बेसिक में एरो यूज़ नहीं होता है। जस्ट समझाने के लिए मैं आपको एरो यूज़ करूँगा, लेकिन इसमें अगर मुझे एंटर करना है, फर्स्ट लाइन में जाना है, सेकेंड लाइन में जाना है, तो मैं एरो के थ्रू जाऊँगा। मैं की के थ्रू जाऊँगा, अदरवाइज़ इसमें पॉइंटर यूज़ नहीं होता है। इसमें एरोज़ कीज़ यूज़ होती हैं। अगर आपको फर्स्ट लाइन में जाना है, सेकंड लाइन में जाना है, थर्ड लाइन में जाना है, तो आप एरोज़ कीज़ के थ्रू फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में जा सकते हैं। इसमें पॉइंटर यूज़ नहीं होता, माउस पॉइंटर यूज़ नहीं होता। तो हम स्टार्ट करते हैं। 10 RAM star 4 star, ये हमारे पास 4 star, आफ्टर हमारे पास भी 4 star होने चाहिए। प्रोग्राम CLS 30 चेक करते हैं। नाउ ये हमारे पास प्रोग्राम रेडी हो गया है। देन फर्स्ट वन, आपके पास रैम 10 RAM, ये प्रोग्राम टू प्रिंट 10 टाइम्स यूजिंग फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। इट्स मीन जी डब्ल्यू बेसिक में हम एक प्रोग्राम जनरेट कर रहे हैं जिसमें हमें अपना नेम 10 टाइम प्रिंट करना है। रैम इम्पॉर्टेंट है, और ये जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले ये रैम 10 RAM और कोई भी अगर आपको प्रोग्राम जनरेट करना है तो ये लिखते हैं, ताकि जी डब्ल्यू बेसिक जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका प्रोग्राम रन करे और प्रोग्राम की कोडिंग डिज़ाइन करे। दैन उसके बाद 20 CLS, जब ये प्रोग्राम हम जनरेट करेंगे तो जो भी हमारे पास स्क्रीन पर वो सब क्लियर हो जाए। क्लियर होने के बाद इनपुट स्टेटमेंट, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नंबर अगर आपको इनपुट करना है अपनी तरफ से तो आप इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और
इनपुट के लिए मैं ये कहूँगा कि इनपुट के लिए ये आपके पास साइन होता है, डॉलर का साइन होता है, और इसके साथ साथ जो है ये एन क्यू है, ये एन इट्स मी नेम हम जो है इंसर्ट करेंगे। अदरवाइज़ फादर नेम, बर्थ डेट, ये सारी चीज़ें जो है जब हम प्रैक्टिकल नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो हम सारी इनपुट स्टेटमेंट जो है इसमें यूज़ करेंगे। देन उसके बाद जब आप कोई भी प्रिंट हो गई या इनपुट की स्टेटमेंट हो गई, अगर आप ये टाइप कर रहे हैं तो सबसे पहले इनपुट के बाद या प्रिंट के बाद हमेशा इनवर्ट कॉमास आप ओपन करेंगे। देन उसके बाद कोई भी जो आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट परफॉर्म करना चाह रहे हैं या फिर कमांड या फिर वर्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, प्रोग्राम लाइन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आप वो लिखेंगे, वो टाइप करेंगे। देन उसके बाद कॉलम और देन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इन्वर्टेड कॉमास अगर आपने क्लोज़ नहीं किया तो ये प्रोग्राम परफॉर्म नहीं होगा। सेमी कॉलम इनपुट के लिए आप इन्वर्टेड कॉमास जब क्लोज़ करते हैं तो सेमी कॉलम आपको लगाना होता है। देन उसके बाद जो है एन और डॉलर। सी एल एस इट्स मीन जो भी मैंने यहाँ पे जो भी मेरे पास हेडिंग आई है और जो भी मैंने नेम लिया है वो देन सी एल एस हो जाए, क्लियर हो जाए। क्लियर होने के बाद जो भी मैं लिख रहा हूँ, कोई भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें, कोई भी नंबर लिखना चाहें, उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। प्रिंट देन उसके बाद प्रिंट, प्रिंट के साथ मैंने टैब 30 लिखा है। टैब 30 क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम स्पेस देते हैं लेफ़्ट से सेंटर की तरफ। जब आप लेफ़्ट से सेंटर की तरफ स्पेस देंगे तो 30 यूज़ करेंगे। देन अगर आपको और राइट भी लेके जाना है तो आप 60-70 यूज़ करते हैं। देन उसके बाद प्रोग्राम टू प्रिंट, ये जो भी लिखा हुआ है ये प्रिंट हो जाए। इनवर्टेड कॉमास क्लोज है, इसमें सेमी कॉलम यूज़ नहीं होता। इनपुट में सेमी कॉलम यूज़ होता है, प्रिंट के स्टेटमेंट में सेमी कॉलम यूज़ नहीं होता। देन प्रिंट टैब 30 और जो भी यहाँ पे डिज़ाइनिंग हुई है, जो है जो भी लिखा हुआ है वो आप जो है प्रिंट कर दें। प्रिंट कॉलम प्रिंट इट्स मीन आप आफ्टर टू लाइंस एक लाइन का गैप दें। गैप, एक लाइन का गैप देने के बाद आपके पास जो भी कमांड आए, जो भी आपके पास टास्क परफॉर्म करने के लिए आए, वो आप जो है टास्क परफॉर्म कर दें। फॉर ए इक्वल्स टू 1 to 10 इट्स मीन ए के साथ आप 1 to 10 नंबर प्रिंट करें। नंबर प्रिंट करने के साथ साथ ए में जो भी नंबर है वो 10 टाइम प्रिंट कर दें। फॉर ए इक्वल्स टू 1 to 10 इट्स मीन ए के लिए आप 1 to 10 जो है नेम को प्रिंट कर दें, और ए में जो भी नंबर आपके पास टैग्स है वो 1 से लेके 10 दफ़ा जो है प्रिंट कर दें। देन इसके बाद प्रिंट टैब 30 कॉलम ए एस पी सी। एस पी सी क्यों लिखा हुआ है? एस पी सी 5 इट्स मीन के नंबर के साथ आपके पास जो भी स्पेस आ रहा है वो 5, आफ्टर 5 आ जाए। 5 से आप सेंटीमीटर कह लें, सेंटीमीटर कह लें, या इसमें जो है सिंपल 5 आप कह सकते हैं। 5 सेंटीमीटर का जो है इसमें स्पेस होता है। और देन उसके बाद जो है ये डॉलर आ गया। डॉलर क्यों आए? क्योंकि हमें जो है यहाँ से, हमने यहाँ पे अपना नेम इंसर्ट किया है। देन उसके बाद नेक्स्ट ए, और ये इसको छोड़ दिएगा। मैं अगेन सी एल एस करके इसको बता देता हूँ आपको। ये एक इंसर्ट मेन्यू में जाके सबसे पहले मैं इसको एक डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये बाय मिस्टेक आ गई थी। देन उसके बाद नेक्स्ट है एंड। नेक्स्ट है ए एंड। ये प्रोग्राम जब रन होता है, रन होने के बाद जब ये यहाँ प्रिंट प्रिंट होता हुआ आएगा, प्रिंट होने के बाद ये लूप चेक करेगा। लूप 1 टाइम में जो है मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, मल्टीपल वर्क परफॉर्म करता है। अगर आप एक ही वक्त में नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो टेक्स्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं तो लूप के थ्रू आप इजीली करवा सकते हैं। लूप में आएगा, लूप में ये चेक करेगा, लूप में हमें क्या वर्क परफॉर्म करने के लिए दिया है। भाई ए में जो है जितने भी नंबर हैं, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है या जो भी कोड नंबर लिखा हुआ है, वो आप जो है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर दें। पहले 1 टाइम प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट ए पे आएगा। नेक्स्ट ए क्या करेगा? चेक करेगा कि जी यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 1 है, और 1 प्रिंट हो गया है। 1 प्रिंट होने के बाद ये फॉर की तरफ ये स्टेटमेंट भेजेगा, कमांड भेजेगा कि जी आप अगेन दूसरी दफ़ा भी नेम प्रिंट करें। फिर ये दूसरी दफ़ा प्रिंट करेंगे। देन इसके बाद ये 10 तक चलता रहेगा, और जैसे ही 10 पे आके ये ख़त्म होगा, 10 टाइम्स जो है 10 पे जो है ये नेम प्रिंट करेगा, तो डायरेक्ट ये प्रिंट पे आएगा। प्रिंट पे आने के बाद ये एंड पे चले जाएगा, और एंड पे जाने के बाद आपका प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। फॉर ए में ये जैसे ही फॉर ए में आएगा, ए में आने के बाद ये यहाँ पर आके चेक करेगा कि आपने कौन सा टैक्स और कौन सा नेम जो है इंसर्ट किया। इंसर्ट
जो भी आपने नेम इंसर्ट किया होगा वो नेम जो है प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट ए पे आएगा, ए पे आने के बाद देन ये जाएगा नंबर ऑफ काउंटिंग पे। नंबर ऑफ काउंटिंग जब कंप्लीट हो जाएंगी, कंप्लीट होने के बाद जो है जब ये 10 कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट 10 होने के बाद जो है डायरेक्ट एंड पे आएगा। एंड पे आने के बाद आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। F2 प्रेस करेंगे। F2 क्यों प्रेस करते हैं? F2 जो है जो भी प्रोग्राम आपको रन करना है, आउटपुट देखना है, तो F2 प्रेस करते हैं। F2 प्रेस किया और ये देखें, इंटर योर नेम कॉलम, और ये पूछ रहा है कि जी आपको कौन सा नेम प्रिंट करना है। ये आपके पास नेम प्रिंट हो गया, ये देखें। दैन जो हमारे पास हेडिंग थी इंटर योर नेम, वो CLS हो चुकी है, क्लियर स्क्रीन हो चुकी है। दैन उसके बाद जो भी हमने प्रिंट करना था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो अगर आपको लिस्ट लानी है, लिस्ट लाने के लिए F1 प्रेस करते हैं और लिस्ट भी आप टाइप कर सकते हैं। और इसी तरह इसी प्रोग्राम को अगर आपको सेव करना है, तो मुझे अगर